Good afternoon, ladies and gentlemen. Today we have amongst us Mr. Alok Kumar, who has scored rank 41 in CSE 2018. Mr. Alok had public administration as his optional subject. Mr. Alok has done his BTech in computer science and engineering from Dr. K. N. Modi Institute of Technology. He had completed his BTech in year 2012. After that, for about 4 years, Mr. Alok had a short stint with working in a private company, and his first attempt for the CSE was in year 2016. And in this year, he has finally made it to the list with an exceptionally outstanding rank. I now hand over to Mr. Alok to have a discussion with you. Thank you. आपका attitude क्या था? आपका क्या reason था UPSC करने का? Or like I think you are 26 years of age. मेरे हिसाब से नहीं, मेरी एज 28 हां. तो लाइक वाज योर फैमिली सपोर्टिंग एट दिस एज लाइक 28? एग्जैक्टली, वेरी गुड एटीट्यूड. और बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी सर्विस में, इनफैक्ट प्रिपरेशन में मैं बोलूँगा. द रीज़न व्हाई आई चूज फॉर, इनफैक्ट प्रायर टू दैट आई वाज वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर फर्म. मेरा स्टार्टिंग से इंक्लिनेशन था सिविल सर्विसेज को लेकर. द रीज़न व्हाई इट टुक मी लॉन्ग बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल इशूज I was having. तो definitely family का support होना बहुत important है, और कहीं ना कहीं family ने बहुत ज़्यादा support किया. In fact मेरे किसी family background में या किसी का भी इतनी UPSC में कोई नहीं है, ना कोई IAS है. So I was the first one to come here and start preparing. तो हर किसी के मन में doubt था कि इतनी बड़ी service है, how we are going to manage, और इतनी अच्छी pay, आप इतना अच्छा job कर रहे हो, मोर देन 10 लाख प्लस का पैकेज था, छोड़ के जा रहे हो तो आपको, और सॉफ्टवेयर में वैसे भी आप अगर आपने एक साल गैप किया, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द सेम थिंग. बट डिटर्मिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से दैट, कि आप शुरू से डिटर्मिंड हो कि नहीं मुझे करना है. और मैं सीरियसली, फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं यही सोच के आया था कि इंसान ही तो करते हैं, मतलब सीरियसली अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते. टू थ्री थिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपना काम एकदम ईमानदारी से कर रहे हो, हार्ड वर्क एकदम ईमानदारी से कर रहे हो. दूसरी चीज़ है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, आपकी स्ट्रेटजी अगर राइट है तो आप एक दिन जरूर सक्सेस होगे. इन द स्टार्टिंग माय फैमिली वाज सम लाइक दे हेजिटेटेड कि बहुत ही मुश्किल है, इनफैक्ट ओनली फ्यू हंड्रेड्स क्वालिफाई फॉर द मेन्स. एंड इसमें ऐसा भी है कि इनफैक्ट इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सर्विसेज जिसमें जो लोग क्वालिफाई कर लेंगे वो भी कम्प्लीट करते हैं, मतलब 100 के ऊपर वाले जितने भी रहेंगे दे आर गोइंग टू कम्प्लीट नेक्स्ट ईयर, दे आर गोइंग टू राइट द एग्जाम. सो डेफिनेटली ये बहुत ही टफ डिसीजन था, लेकिन फैमिली का सपोर्ट डेफिनेटली मिला. दूसरी चीज़ है एटीट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा कि मेरा होगा ही और मैं मेहनत कर रहा हूँ तो ये कभी खाली नहीं जाएगी. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. और एज फार एज हार्ड वर्क कंसिस्टेंसी इज़ कंसर्न्ड, मैं डेफिनेटली ये बोल सकता हूँ कि मैं अपने फिंगर पर डेज काउंट कर सकता हूँ कि मैंने कभी भी मिस नहीं की पढ़ाई, मतलब इन अ ईयर आप बोल सकते हो नॉट मोर देन 10 डेज. इनफैक्ट होली दिवाली कभी भी आई वॉज टोटली आउट ऑफ द सोशल साइट्स, फेसबुक व्हाट्सअप एनी एवरीथिंग आई वॉज डीएक्टिवेटेड. इन द मेन मोटिव वॉज टू प्रिपेयर फॉर दैट एंड टू क्रैक द सिविल सर्विस एग्ज़ाम. तो आपको कहीं ना कहीं बहुत टफ डिसीज़न लेना पड़ेगा, लेकिन आप एक बार डिसीज़न ले लो तो अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो डेफिनेटली पे करता है. और मुझे लगता है यही एक ऐसी सर्विस है जिसमें आपका हार्ड वर्क दिखता है कि आपको, हाँ, सब्सटेंस मिल रहा है, आपको रिजल्ट मिल रहा है, वो जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डिलीजेंस होना चाहिए कि आप ईमानदारी से अपनी मेहनत करो. ऐसा नहीं कि आपने घर बोल दिया हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और यहाँ किसी और काम में इन्वॉल्व हो, तो वो कहीं ना कहीं मैटर करता है बहुत. और मैंने देखा है जितने लोगों ने हार्ड वर्क किया, इनफैक्ट few of my friends they have qualified. ऐसा हो सकता है इस बार नहीं निकले, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो निकले ही नहीं, मतलब they have in fact past 2-3 years I am preparing since 2016. so मेरे overall journey में मैंने ये feel किया कि आपका जो hard work और consistency है बहुत pay करती है. और attitude हमेशा, obviously frustration होगा, मुझे भी होता था कि यार कहाँ आ गए, मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ, इतनी अच्छी सर्विस, मतलब जॉब छोड़ के कुछ है नहीं, फ्यूचर इज़ अनसर्टेन. लेकिन वो आपको, मैं अपने फीलिंग से बता सकता हूँ कि द काइंड ऑफ सोशल रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट दैट यू गेट आफ्टर क्वालिफाइंग दिस एग्ज़ाम इज़ अनपैरेलल्ड.
मतलब उसके लिए अगर आपको कितना भी हार्ड वर्क पुट इन करना पड़े आप कर सकते हो, मतलब जो मैं इस टाइम फील कर रहा हूँ रिजल्ट निकलने के बाद, जो जो सोशल रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन मिलती है वो अनपैरेलल्ड है, उसके लिए आप कितना भी मेहनत करना चाहे मैं तो सबको ये बोलूँगा करनी चाहिए और इट रिक्वायर्स दैट काइंड ऑफ हार्ड वर्क। गुड आफ्टरनून सर। सर अभी जैसे कि बहुत सारे लोग बताते रहते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी कवर करने से हो जाएगा। एनसीईआरटी हाँ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी क्या है, आपका एक बेस बनाती है जो बहुत ही, अगर आपका बेस मजबूत है तो बिल्डिंग ऑब्वियसली मजबूत होगी। एनसीईआरटी तो आपको कवर करना है, लेकिन एनसीईआरटी से क्या होगा, मैंने खुद पॉलिटी की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो मैं बता नहीं सकता कैसा होगा, लेकिन बेस इंपॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। वो बेस मुझे कहाँ से मिला, कोचिंग से मिला, तो मुझे ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो नो डाउट द क्वेश्चन आर गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम दैट, वो आपका बेस बहुत स्ट्रांग बनाता है। एनसीईआरटी के अलावा आपको ये जो मेन बुक्स हैं ये पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि ये अभी एग्ज़ाम इतना कम्पिटिटिव हो गया है कि काफ़ी सारे लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपको एज पे रहना बहुत ज़रूरी है। तो आपको एडवांस्ड इस सब एरिया में तो आपको एडवांस नॉलेज इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आप लोगों ने कोचिंग ज्वाइन करी है तो एनसीईआरटी का बेस तो कोचिंग वाले दे ही रहे हैं आपको। इनफैक्ट वन थिंग आई वुड लाइक टू मेक इट वेरी क्लियर दैट बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली तो कोचिंग वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे आईएएस बनाना। सीरियसली मतलब आपको खुद करना पड़ेगा, और कोचिंग वाला कोचिंग ज्वाइन करने से यह है कि आपको एक अच्छा डायरेक्शन मिल जाता है, जो कि आप अगर कोचिंग ज्वाइन नहीं करोगे तो बहुत स्ट्रगल करके मिलता है। इनफैक्ट काफ़ी सारी चीज़ें लोग बताएंगे ये करना है वो करना है, वो चीज़ आपको बेनिफिट मिलता है कोचिंग में। आपको काफ़ी सारे एक्सपीरियंस टीचर मिलते हैं, आपको सही गाइडेंस देंगे, आपको सही रास्ता बता देंगे कि आप इस रास्ते पे चलोगे तो आप आईएएस बन जाओगे। लेकिन रास्ते पे चलना तो आपको ही है ना, कि आप ये बोलो नहीं मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली अब रिस्पांसिबिलिटी है कोचिंग वालों में मुझे आईएएस हो बनाएंगे, तो आपको खुद हार्डवर्क करना पड़ेगा। और फ्रॉम माई थिंग आई कैन से दैट कि हार्डवर्क आपका डेफिनेटली पे करता है। अगर आपने हार्डवर्क किया है तो पे करेगा, मतलब वन वे और द अदर। आप एक बार सक्सेस नहीं हुए अगले बार डेफिनेटली हो गए। मेरा प्रिलिम्स नहीं हुआ था 2017 में, आई वॉज डिसअपॉइंटेड वन डे, फिर आफ्टर दैट आई थॉट दैट कि कुछ अच्छा और होना होगा इसलिए शायद प्रिलिम्स नहीं हुआ। और आई एम हैप्पी नाउ कि मेरा उस टाइम नहीं हुआ था, मैं एक साल मुझे बहुत अच्छा मिला, मैंने अपना मेंस बहुत स्ट्रांग किया, और दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम हियर। Throughout the year we study daily and monthly current affairs. तो last में हमें monthly revise करने चाहिए या daily कैसे revise करना चाहिए? आप daily तो ज़्यादा bulky हो जाएगा, monthly कर सकते हो, monthly हाँ। तो फिर जो daily current affairs हम पढ़ रहे हैं या रोज़ newspaper पढ़ रहे हैं उसको किस attitude से पढ़ना चाहिए या किस approach से पढ़ना चाहिए? Yes हाँ, वो देखो मेरा attitude ऐसा था क्योंकि मैं जो daily पढ़ रहा हूँ मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं ये मेरे रिवीजन में काम कर रहा है, जब मैं मंथली पढ़ूंगा ना तो वो चीज़ें मुझे दोबारा रीमेमोराइज होंगी, रिवीजन की तरह काम करता है। डेली पढ़ना तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो जब आप दोबारा मंथली पढ़ते हो ना तो वो मेरे साथ ऐसा होता था मुझे हाँ यार मैंने उस दिन पढ़ा था, और ये तो रिवीजन की तरह काम करता है और बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो एक बोलते हैं ना कि स्ट्रांग मेमोरी, वो आपका दो बार आपने एक बार डेली में पढ़ा एक बार करंट में पढ़ा फिर लास्ट में आप करंट पढ़ रहे हो तो वो समराइज कर देता था कि हाँ ये मैंने तीन बार पढ़ लिया अब एटलीस्ट आई एम श्योर विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक और विद दिस पर्टिकुलर थिंग। सो देन डेली नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है इन अ वे? हाँ डेली अगर आप मंथली यूज़ कर रहे हो तो डेली नोट्स मत बनाइए, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप कंफर्टेबल हो तो बना सकते हो, लेकिन अगर आप मंथली पढ़ ही रहे हो तो फिर बनाने की जरूरत नहीं है। आप पढ़िए उसको एकदम माइंड से ऑक्यूपाई करके पढ़िए, ऐसा मत पढ़िए कि फॉर द सेक ऑफ रीडिंग आई एम रीडिंग। आप ये समझ के पढ़िए कि मुझे याद रखना है, इस सेंस से पढ़िए बस, वो इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू। एज फार एज न्यूज़पेपर इज़ कंसर्न, मैं एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो 2 घंटे देता था न्यूज़पेपर को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने अभी पहले ही बताया, जैसे आप डेली न्यूज़पेपर या करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो अगर आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो आप मंथली में वो आपका रिवीजन होता था। तो आप जब मंथली पढ़ते हो करंट अफेयर या जो भी बुकलेट है तो आप एक कॉन्फिडेंस आता है हाँ यार मैंने ये न्यूज़पेपर में पढ़ा था और ये ऐसा है, तो कहीं ना कहीं आपको इतना ज़्यादा मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, क्योंकि दोबारा दिख रहा है, ऐसा नहीं आपने फर्स्ट टाइम इनकाउंटर किया है। और दूसरी चीज़ है कि आप न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हो। न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ फ्यू रीजन्स, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सिंपल रीज़न कि आप जो
एडिटोरियल पढ़ते हो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है दो तीन रिस्पेक्ट में. पहला तो है आपका ओपिनियन डेवलप होता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कि ये टॉपिक है और इसमें लोग क्या बोल रहे हैं. इट्स लाइक कि आपने एक बड़ी स्टोरी पढ़ी तो एसेंस आपको याद रह जाता है, राइट? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा है आपको वोकेबुलरी मिलती है कि आप मेंस में जब लिखोगे तो क्या क्या वर्ड्स कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तीसरा चीज़ है इनोवेटिव आइडियाज़ मिलते हैं कि यार हाँ अगर मैं मेंस में ये चीज़ लिखूँगा एक ये पॉइंट अगर मैं मेंशन करता हूँ तो डेफिनेटली आपको अगर एक क्वेश्चन में अगर आपने एक नंबर का मार्जिन ले लिया तो आप समझ रहे हो कि आपने बहुत ज़्यादा मार्जिन क्रिएट कर दिया. एक क्वेश्चन में एक नंबर का मार्जिन, 20 क्वेश्चन में 20 नंबर का मार्जिन और चार पेपर 80 नंबर, आप इतना भी नहीं ले पा रहे हो तो 50 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए. मतलब सिंपल एक इनोवेटिव पॉइंट या कोई भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करने से आपको 15 मार्क्स और अगर आप लिस्ट एनालाइज करो तो 50 मार्क्स में पूरा लिस्ट ख़त्म हो जाती है. तो आपको IAS बन सकते हो नहीं तो लिस्ट से बाहर हो सकते हो. तो डेफिनेटली आजकल क्या है YouTube पे बहुत सारे एडिटोरियल के वीडियोज़ अवेलेबल हैं. अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आई वुड रिकमेंड कि ठीक है देखो, लेकिन देखने से ज़्यादा आप अगर खुद पढ़ के उस चीज़ में स्ट्रगल करके समझोगे तो आपका जो ओपिनियन निकल के आता है वो बहुत स्ट्रांग होगा. आपका मेंस स्ट्रांग होगा, आपका मेंस की आंसर राइटिंग स्किल स्ट्रांग होगी और आपका खुद का भी ओपिनियन स्ट्रांग होगा कि हाँ यार ऐसा है और ऐसा करने पर ऐसा होता है. इट्स नॉट लाइक कि आप किसी वीडियो को देख रहे हो उसमें पॉइंट वाइज आपने उन्होंने बता दिया और आपने देख लिया, आपको समझ में बहुत अच्छा आ गया लेकिन वो कितने दिन तक रिटेन रहेगा, रिटेन कितने दिन, 10 दिन 8 दिन. लेकिन जैसे मैंने बोला एक बड़ी स्टोरी पढ़ रहे हो तो एसेंस तो आपको याद रहता है ना कि यार हाँ स्टोरी का एसेंस ये था. और एसेंस ही इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट नॉट डेज क्वेश्चन आर बिकमिंग मोर एनालिटिकल. मतलब आपको आपका खुद का व्यू पूछ रहे हैं. इट्स नॉट अबाउट कि व्हाट हिंदू इज टॉकिंग अबाउट, व्हाट इंडियन एक्सप्रेस इज टॉकिंग अबाउट, व्हाट यू थिंक ऑन पर्टिकुलर टॉपिक. तो उसके लिए न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनी न्यूज़पेपर दैट यू ट्राई वेदर इट इज हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस. यस सिमिलर एनालिटिकल क्वेश्चन आर कमिंग. इनफैक्ट देर हैज बीन अ ट्रेंड इन नाउ डेज एनालिटिकल क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट इन इंटरव्यू ऑल्सो दे आर आस्किंग द क्वेश्चन रिगार्डिंग यू, व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट. सो उस चीज़ में आप तभी बोल पाओगे जब आपने थॉरोली स्टडी किया होगा एटलीस्ट डेली जो चल रहा है. आपने ऐसा नहीं किसी भी चीज क्या कहते हैं बुक का मटेरियल या उठाया और आपने चार पॉइंट पॉजिटिव चार पॉइंट नेगेटिव कंक्लूजन पढ़ लिया. ये पहले चल स्ट्रेटजी. अब आप इस साल के मार्क्स एनालाइज करोगे तो देखोगे देर इज ह्यूज वेरिएशन इन GS. मतलब पीपल आर गेटिंग 80 इन GS1 एंड पीपल आर गेटिंग 125 ऑल्सो इन GS1. तो इट शोज दैट द काइंड ऑफ वेरिएशन. द पेज फिलिंग वाली टेक्निक अभी ख़त्म हो रही है. अभी आपको गुड कंटेंट लिखना पड़ेगा. तो वो गुड कंटेंट कैसे आएगा, आप कंटिन्यूसली मेहनत करना पड़ेगा. आप कंटिन्यूसली जगल कर रहे हो हाँ कि मुझे एडिटोरियल में ये दिया है मुझे समझना है. इन द स्टार्टिंग मुझे खुद भी याद है मैं दो दो ढाई ढाई घंटे इतना परेशान रहता था क्या लिखा है यार हिंदू में समझ नहीं आ रहा. लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टार्ट डेवलपिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स. ओके ये लिखा है इसमें सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है बाकी सब मेरे काम का नहीं है. लेकिन हाँ तो वो धीरे धीरे डेवलप होगा. डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड कि पहले दिन से मुझे हिंदू नहीं समझ में आ रहा है. ऑब्वियसली नहीं आएगा क्योंकि वो कुछ चीज़ें टाइम के साथ अपने आप डेवलप होती हैं. और आप खुद भी अपने आप को पास्ट 6 मंथ वाला एनालाइज करके देखोगे तो खुद ही लगेगा मैंने प्रोग्रेस किया है. तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. सर हाउ टू लिंक करंट स्टैटिक विद करंट अफेयर. हाँ ये स्टैटिक विद करंट अफेयर इज इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि जो आप पेपर पढ़ रहे हो ना जो आपने स्टैटिक बनाया, जो मैंने बनाया था स्टैटिक क्या कहते हैं, जब मैंने अपनी नोटबुक बनाई स्टैटिक तो एक बार कंप्लीट हो गया. उसके बाद जैसे कोई भी करंट अफेयर आता था जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का इशू चल रहा है तो ये स्टैटिक में कहाँ से आएगा, यूनियन टेरिटरी और इस सब में आएगा. और करंट अफेयर में कैसे लिंक होगा कि जब कोई भी इशूज गवर्नर पे पूछ रहे हैं कि गवर्नर कोई क्वेश्चन गवर्नर पे आ रहा है तो व्हाट शुड बी द रोल ऑफ गवर्नर और या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उसमें एग्जांपल डाल सकते हो कि लाइक द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दैट हैज़ कम अप रिसेंटली इट टॉक्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर जजमेंट. तो ये होता है आपने इतने बड़े टॉपिक को एक लाइन में एक प्रिसाइज लाइन में बोल दिया और सामने वाले भी समझ में आ गया हाँ यार इसने
क्लियरली लिंक किया है कि ऐसा है, गवर्नर का रोल क्या है और क्या होना चाहिए, उसमें आपने एक लाइन हार्डली मेंशन करी। इस तरह सेम सिमिलरली कैग का आया, कैग का क्वेश्चन आया था पिछली बार, तो कैग में भी आप लिखो सब कुछ स्टैटिक लिखो, लेकिन कैग का जो भी ऑडिट रिपोर्ट है, जो भी रिगार्डिंग 2G स्कैम और क्या कहते हैं ये सब आया, तो आप अगर ये मेंशन करते हो ना प्रोप्राइटरी ऑडिट या जो तुम्हारा क्या कहते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट, तो ये शो करता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग कितना अच्छा है और आप लिंक कैसे कर पा रहे हो। इट्स नॉट अबाउट कि आपको पूरा 10 लाइन लिखना है, बस मेंशन करना ही काफ़ी है। और वही इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप एबव एवरेज आंसर भी लिख रहे हो ना, आप यू विल गेट थ्रू द सर्विस। डिड यू फॉलो बोथ योजना एंड कुरुक्षेत्र या सिर्फ एक करने से इज इट ओके द मैगजीन्स? यस ओके, फ्रेंकली स्पीकिंग आई हैवंट फॉलोड एनी ऑफ देम सीरियसली फॉर द प्रीलिम्स, बट आई बिलोंग टू अ पर्सनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बैकग्राउंड, सो वन ऑफ माई टीचर सजेस्टेड दैट यू कैन फॉलो वन एनी ऑफ द मैगजीन्स बिकॉज there are few topics in that which are written very well and it can benefit you. So for that I have gone through these booklets for 2-3 months. To 2-3 months ke liye maine yojana aur kurukshetra padha tha, wo bhi mains ke liye, sirf isliye ki kyunki mera public administration background tha aur usme rural development aur district administration se related kafi sari topics ko bahut hi acche se analyze karke dete hain, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट करता है। और प्रीलिम्स के लिए तो आई डोंट थिंक कि आपको, क्योंकि आपके पास खुद ही इतनी सारी चीज़ें हैं, डोंट गेट अटैच टू अननेसेसरी थिंग्स। मतलब अननेसेसरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप वो टाइम इधर दोगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। करंट अफेयर में अगर आपको जो चीज़ें दी जा रही हैं किसी भी बुकलेट में, कहीं ना कहीं वो लोग रिसर्च करके, यहाँ से भी रिसर्च करके निकाल के ही दे रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। और हैव एन इमेंस फेथ कि आपको जो भी करंट अफेयर पढ़ रहे हो वो कंप्लीट है, ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये फेद है तो डेफिनेटली आप निकलोगे, मतलब एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस आता है। मैं जो बार बार बोल रहा हूँ, इनफैक्ट रिपीटेडली, कि आप एग्ज़ाम देने जाओ तो माइंड में ये नहीं होना चाहिए यार काश ये बुक पढ़ ली, ऐसा मत रहो कि हाँ ये पढ़िए इसमें सब है, ऐसा लेके जाओ। I have seen a few topper videos and some of them recommend you to read India Yearbook. So how significant is that? पर्सनली स्पीकिंग मैंने कभी नहीं पढ़ी इंडिया ईयर बुक, कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, पता नहीं, आई डोंट नो वाई टॉपर्स रिकमेंड दैट, बिकॉज ऑलरेडी स्टूडेंट्स आर बर्डन विद सच लॉट ऑफ बुक्स। आप बोल रहे हो इंडिया ईयर बुक भी पढ़ो, तो इट्स इररिलेवेंट सीरियसली, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना करंट अफेयर पढ़ो मोर देन इनफ है। एज फार एज मेन्स आंसर राइटिंग इज कंसर्न, ये तो हो गया कि करना कैसे है क्या करना है, लेकिन अब आंसर राइटिंग कैसे करना है। फ्रॉम माय पार्ट आई कैन से दैट मैंने एक साल तक, इनफैक्ट जब मैं पहला पेपर देने गया अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो आई वाज एबल टू अटेंड ओनली 150 मार्क्स, 150 मार्क का अटेंड कर पाया। उसके बाद आई वाज लिटरली क्राइंग कि इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, मुझसे पेपर ही कम्प्लीट नहीं हो रहा है, मैं कैसे लिखूँगा और कैसे कर पाऊँगा। तो मेरा यही बोलना है कि ये, फिर मैं अपने एक सीनियर के पास गया, मैं बहुत परेशान था, टोटली डिस्टर्ब दैट डे कि मुझसे नहीं हो रहा है और मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ, तो मेंस कैसे क्लियर करूँगा। तो उन्होंने मुझे सिंपल सी बात बोली कि एक दिन का काम नहीं है आपका मेंस की आंसर राइटिंग स्पीड को इम्प्रूव करना, इट इज़ गोइंग टू टेक एटलीस्ट 6-9 मंथ्स और 1 ईयर, अगर आप दे सकते हो तब तो रुको, नहीं तो फिर निकल जाओ। उन्होंने क्लियरली बोला और बहुत ही फ्रेंकली बोला कि अगर आप इतना टाइम स्पेंड करने के लिए तैयार हो और डेली प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो तब तो ठीक है, आगे बढ़ने में ठीक है, नहीं तो तुम निकल जाओ। अगर तुम्हें लिखना नहीं है तो फिर इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, आप नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने डिलीजेंटली डेली स्टार्टिंग विद द स्टार्ट ऐसे किया कि 1-2 क्वेश्चन 1 घंटे में लिखता था, फिर मैं डेली स्टार्ट किया, 1 घंटे देता था मेन्स आंसर राइटिंग को, स्टार्टिंग विद द 2 questions in an hour, देन ग्रेजुअली आई हैव इंक्रीज दैट 3 questions, 4 questions एंड देन 5 questions। लेकिन ये एक दिन का टास्क नहीं है, आपको करना पड़ेगा। आप कोई भी आप चाहे खुद से लिखना स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन आप कहीं से भी उठा सकते हो, काफ़ी जगह अवेलेबल हैं, चाहे आप पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट करो और अपने पीयर्स को दिखाओ। ऐसा नहीं है कि रिव्यू कराना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एटलीस्ट आप अगर अपने पीयर्स को दिखाओगे तो कहीं ना कहीं अच्छे सजेशंस बताते हैं। मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं और मेरे फ्रेंड्स हम लोग लिखते थे,
तो हम लोग एक दूसरे का आंसर चेक करते थे, फिर एक आंसर को लिखने का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। मैंने चार पॉइंट कवर किए, अगले मेरे फ्रेंड ने अलग चार पॉइंट कवर किए, तो हम लोग डिस्कस करते थे यार हाँ ये भी सही, ये भी सही है, इसमें से क्या क्या और ऐड कर सकते हैं। तो कहने के पीयर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं, नहीं भी हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, काफ़ी सारे जगह अवेलेबल हैं, आप मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है आप। और दूसरी चीज़ है कि हाँ स्टार्टिंग में जैसे फोरम और इनसाइट्स इस सब पे मैं जब आंसर्स देखता था तो मुझे कभी समझ नहीं आया कि लोग इतना अच्छा आंसर लिख कैसे लेते हैं, मतलब आई वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड कि यार ये तो आइडियल आंसर है, ये तो मेरा कभी नहीं होगा। फिर मुझे बाद में समझ में आया एक डेढ़ महीने बाद कि ये ऐसे लोग हैं जिनसे तुम्हारा कंपटीशन ही नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं देते, ये सिर्फ रिसर्च करके आंसर लिखते हैं। सीरियसली मतलब डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड कि यार इतना अच्छा आंसर इनसाइट पे लोग लिख रहे हैं, मतलब सिक्स सेवन पॉइंट्स विद एवरी फैक्ट्स दैट दे हैव, दे आर राइटिंग द आंसर एंड देन ऑब्वियसली कोई भी नया बंदा होगा फ्रस्ट्रेटेड। मैं आई वॉज रियली वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि इतना अच्छा आंसर तो मैं ज़िंदगी में नहीं लिख पाऊँगा, वो भी प्रिस्क्राइब टाइम में, एक घंटे में एक आंसर लिखना हो तो ऑब्वियसली यू कैन डू दैट ना, बट यू हैव टू राइट 20 आंसर इन 3 आवर्स। सो फिर बाद में समझ में आया कि नहीं, इनसे हमारा कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन ऐसे लोगों से जो रियल टाइम में लिखते हैं। अगर आप एबव एवरेज आंसर भी लिखते हो ना, आई कैन इनफैक्ट से दैट यू विल बी इन 100 अगर आप एबव एवरेज आंसर भी लिखते हो, तो एबव एवरेज आंसर विद इन टाइम लिमिट, इट्स नॉट अबाउट आइडियल आंसर। आप एवरेज भी लिखो और थोड़ा अच्छा लिखो, आप 100 में रहोगे, डेफिनेटली रहोगे, तो ये है। लेकिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप डेली हार्डवर्क करो। इनफैक्ट आई कैन काउंट द डेज ऑन माई फिंगर्स कि मैंने 3 दिन आंसर नहीं लिखा उस 9 महीने में। तो लेकिन ये होना चाहिए, मतलब डेडिकेशन दिखना चाहिए कि हाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है मुझे लिखना है तो लिखना है, मुझे 10 से 11 अगर बैठ के आंसर लिखना है तो फिर मैं लिखूँगा, ठीक है। किसी दिन 10 से 11 नहीं लिख पाया तो 1 घंटे दिन में देना है, ये डेडिकेशन आना बहुत ज़रूरी है। और ग्रेजुअली आप खुद देखोगे, इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में मैं अपना पुराना आंसर रिव्यू कर रहा था, जो रिव्यू क्या देख रहा था, इनफैक्ट मुझे इतनी हंसी आई कि मैं इतना कचरा लिखता था सीरियसली, क्योंकि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। आप 0 से स्टार्ट करते हो, आपको कुछ नहीं पता होता, आपने इंट्रोडक्शन 8 लाइन में लिख दिया, फिर उसके बाद कंक्लूजन कुछ लिखा नहीं, तो ये एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें धीरे धीरे लोग इम्प्रूव करते हैं। ये रॉकेट साइंस नहीं है कि बस आपने एक कैप्सूल खाई, हाँ सब तैयार, ठीक है अब मैं लिख लूँगा, तो ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना इंपॉर्टेंट है, तो इससे आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, डिसअपॉइंटेड नहीं होगे। और अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आई कैन मे क्लियरली से दैट कि आपका होगा, तो ये एकदम। और मुझे ऐसा लगता है अगर आप ऑब्वियसली पीपल आर गोइंग टू राइट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और मैं चाहता हूँ सबका क्लियर हो, लेकिन डोंट गेट डिसअपॉइंटेड कि मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ क्या होगा। मैं तो आज सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरा 2017 में प्रीलिम्स नहीं हुआ, मैं खुश हूँ आज ये सोच के कि मुझे 1 साल मिल गया और मैंने अपना मेंस बहुत ही अच्छे से तैयार किया। इनफैक्ट आई वॉज श्योर कि लिस्ट में नाम आएगा, लेकिन आई वॉज नॉट दैट मच वेरी श्योर कि ठीक अंडर 100 या अंडर 50 आएगा। मैंने मेहनत करी थी और मुझे ये लगता था कि मेंस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, प्रीलिम्स तो इम्पॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बोला कि प्रीलिम्स आपको आईएएस बनने से रोक सकता है, आईएएस बनाएगा नहीं, तो आई वॉज टोटली फोकस्ड ऑन मेंस। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया कि मैंने पूरा 1 साल अपना मेंस के लिए दिया। When should we ideally start writing practices? Like we finish a topic today, like we read something in newspaper, and then we should today only write the answer for the same question, framework question, or what is your strategy for it? My strategy was that you can write it today or tomorrow if you have finished some topic on the current affair, और आपने वो question देखा, तो आप क्वेश्चंस कहीं से या खुद से बना लो, या बहुत सारी साइट्स या फोरम्स पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख लो, और आप चाहे आज लिखो या कल लिखो, 2 दिन के अंदर लिखोगे तो माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, आप वो पेन डाउन कर पाओगे, और पेन डाउन एक बार कर लिया तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मेमोरी में आ जाती हैं, तो लॉन्ग टाइम के लिए रहेंगी। आज लिखो कल लिखो, 2-3 दिन के अंदर अगर आप लिख रहे हो तो बहुत बेनिफिट करेगा। इनफैक्ट हम लोग 1 दिन का गैप रखते थे, जब मैं लिखता था आज मैंने पढ़ा कोई भी इशूज करंट अफेयर में आया, जो भी क्वेश्चन बना, तो मैं कल सुबह लिखता था। सर देन वी हैव टू बी क्लियर विद द स्टैटिक पोर्शन फर्स्ट, देन वी कैन। यस यस, दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज, फर्स्ट यू नीड टू मेक इट वेरी कंसोलिडेट योर स्टैटिक थिंग,
then only you can write a good answer. But at least start writing whatever you want to write, at least write first. It is going to make an impact at least on your writing speed. So start writing something. अब आते हैं ऑप्शनल पे. इस ऑप्शनल में सबसे इम्पॉर्टेंट ये होना चाहिए कि पहले आप अपना ऑप्शनल कौन सा लेने वाले हो, ठीक है? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परसेप्शन है सोसाइटी में कि एंथ्रो चल रहा है, ये चल रहा है, तो इट्स नॉट लाइक दैट. वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, हर एक ऑप्शनल परफॉर्म करता है. और अगर आप चाहे इस बार का चाहे पिछली बार का उठा के देखोगे तो सारे ऑप्शनल से लोग निकलते हैं और अंडर 100 में विद गुड रैंक्स निकलते हैं. अब ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है कि आपको कौन सा ऑप्शनल अच्छा लगता है. तो पहले ही चीज़ मैं बोलूँगा इनफैक्ट सबसे कि पहला अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो कि मैं कौन से ऑप्शनल में कंफर्टेबल हूँ. इसको एज अ बर्डन कभी लेके नहीं चलना है, क्योंकि ऑप्शनल आपको बहुत ही ज़्यादा एज प्रोवाइड करता है. इन द ओवरऑल स्ट्रेटजी मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको अंडर 100 आना है तो आपको इन तीनों सब्जेक्ट में एसए, GS1 और ऑप्शनल में कहीं ना कहीं 40 से 50 नंबर का मार्जिन आपको क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? अब क्रिएट करना आसान किस में है? ऑप्शनल में आसान है, इसीलिए लोग बोलते हैं. अब जैसे मेरा GS में क्या था, मार्क्स काफ़ी ठीक ठाक हैं. मेरा ऑप्शनल आई वॉज थिंकिंग दैट कि मेरा ऑप्शनल 300 प्लस आएगा, लेकिन आई गॉट 284 ओनली. सो इट इज़ बींग कम्पनसेटेड बाई द GS मार्क्स. सो आपको 40 से 50 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट करना है. डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा? GS में थोड़ा टफ है. टफ इसलिए है क्योंकि GS में वेरिएशन ज़्यादा नहीं है, इस बार ज़्यादा हुआ है. यूजली क्या होता था, जो रेंज रहता है ना वो 40-50 मार्क का रहता है, जो टॉपर है और जो लिस्ट में आया है, हार्डली 40-50 या 60 मार्क्स. इसलिए लोग ऑप्शनल पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि टू क्रिएटिंग द मार्जिन और टू क्रिएटिंग द गैप. तो इसलिए ऑप्शनल इम्पॉर्टेंट हो जाता है. और ऑप्शनल इम्पॉर्टेंट है भी, क्योंकि वो ऑब्वियसली आपको सर्विस टॉप करा सकता है, आपको क्या कहते हैं लिस्ट से बाहर कर सकता है. तो पहला चीज़ तो है कि अगर आप बर्डन लेके चलोगे तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शनल में आपको बहुत ही थॉरो प्रिपरेशन होना इम्पॉर्टेंट है ग्रेजुएशन लेवल की. क्योंकि वो ऑप्शनल में पूछते हैं, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट आप अपने ऑप्शनल में इतना तो प्रिपेयर हो, नॉट इन GS बट इन ऑप्शनल. तो एज ए बर्डन लेके नहीं चलना है. पहले आप अपने खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो कि आपको कौन सा ऑप्शनल अच्छा लगता है. सारे ऑप्शनल अच्छे हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज़ करना चाह रहे हो. तो मैं कोई पर्टिकुलर ऑप्शनल तो नहीं प्रिस्क्राइब करूँगा, लेकिन जैसे कुछ ऑप्शनल हैं जो एडेड एडवांटेज देते हैं. एडेड एडवांटेज का मतलब क्या है कि वो ऑप्शनल का कंटेंट आप किसी और अपने GS पेपर या SC पेपर में यूज़ कर सकते हो. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वन ऑफ दैट बिकॉज फ्यू रीजंस. पहला है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंटेंट है वो आपके SC में भी यूज़ हो सकता है. गवर्नेंस आस्पेक्ट, एजुकेशन एंड हेल्थ आस्पेक्ट में कहीं ना कहीं आता है. दूसरा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपने लिया है तो पेपर टू आधा आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है. यू नीड नॉट टू स्पेंड मच टाइम ऑन द पेपर टू. तो यहाँ एडवांटेज मिल गया. तीसरा एडवांटेज है एथिक्स पेपर. एथिक्स में भी आधा से ज़्यादा जो है सिलेबस वो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कवर करता है. तो ये एडेड एडवांटेज है. लेकिन एडेड एडवांटेज कब है कि जब आप उस सब्जेक्ट को एज ए बर्डन नहीं ले रहे हो. अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूज़ ही इसीलिए किया है कि मुझे एडेड एडवांटेज चाहिए, तो वो बेनिफिट नहीं करेगा. आप समझ रहे हो ना कि फिर वो बर्डन बन जाता है, मैंने इसलिए लिया पढ़ना है. सेम इज़ विद द पॉल साइंस ऑल्सो. पॉल साइंस आपका पेपर टू में इंटरनेशनल रिलेशंस में काम आता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पेपर थ्री में भी काम आ जाता है सिक्योरिटी आस्पेक्ट. तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो ज्योग्राफी है, पेपर वन पूरा कंप्लीट करता है, हाफ ऑफ द पेपर वन इज बीइंग कंप्लीटेड बाय द ज्योग्राफी ऑप्शनल. तो ये कुछ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं ये एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कब? जब आप रियली उसमें इंटरेस्टेड हो और आप चीज़ों को लिंक कर पा रहे हो, तब तो अच्छा है. नहीं तो आप किसी के कहने से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी या हिस्ट्री आप मत लीजिए. मेरा खुद का मानना है, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए लिया, पहला रीज़न कंप्यूटर साइंस अवेलेबल नहीं था, आई हैव टू सेटल विद सम अदर ऑप्शनल. तो मैंने सिलेबस चेक किया,
मेरा इंक्लिनेशन तीन सब्जेक्ट के ऊपर था, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. हिस्ट्री चेक किया तो मुझे लगा एंशियंट नहीं पढ़ पाऊँगा, यह सब बहुत ही टफ है. फिर पॉल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुझे थोड़ा शुरू से इंक्लिनेशन था, हाउ ब्यूरोक्रेसी फंक्शंस, हाउ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस, व्हाट इज़ रूरल डेवलपमेंट. सो कहीं ना कहीं मेरा इंक्लिनेशन पहले से ही था, तो फिर मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूज़ किया. और सीरियसली आई एंजॉयड द सब्जेक्ट, ऑल दो आई हैवंट गॉट वेरी गुड मार्क्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बट ये था कि मतलब कभी मुझे बर्डन फील नहीं हुआ. मतलब जब आप पढ़ते हो ना तो आपको लगता है यार 5 घंटे हो गए, आपको उठना चाहिए, कभी ऐसा नहीं हुआ. ठीक है, पढ़ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, हाँ यार ठीक है ये टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं तब उठते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप अच्छे से इन्वॉल्व होकर पढ़ रहे हो ना, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे वन वे और द अदर बेनिफिट किया है, क्योंकि मेरे जीएस में पेपर 2 और पेपर 4 में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वन ऑफ द रीज़न, बिकॉज आई हैव यूज्ड द टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इन द पेपर 2 एंड पेपर 4, सो दैट आई थिंक दैट हैज़ बेनिफिटेड मी आइदर वे. तो ये इम्पॉर्टेंट है. अब दूसरा है कि चूज़ कैसे करना है, ये आप लोगों के ऊपर मैंने छोड़ दिया कि मैं पर्टिकुलरली बताऊँगा नहीं कि ये चूज़ करो, क्योंकि इट्स लाइक कि इम्पोजिंग माई थाट्स ऑन द अदर्स. तो खुद से आप चूज़ करो और सफिशेंट टाइम ले लो. इट्स नॉट अबाउट कि आज ही चूज़ करना है. अगर आपने इस बार नहीं भरा है तो आप एटलीस्ट एक कहते हैं एक दिन, दो दिन, एक हफ्ते, 15 दिन लो, थोड़ा रिसर्च करो अपने आप पे पहले कि मुझे ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और हाँ यार ये लेने से मैं परसू कर पाऊँगा. मतलब पिछले काफ़ी टाइम से लोग बोल रहे हैं ज्योग्राफी नहीं चल रहा है, मैं देख रहा हूँ ज्योग्राफी के कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है एंड विद गुड मार्क्स मोर देन 300+. तो इट्स अ परसेप्शन इन द सोसाइटी, इट्स अ परसेप्शन इन द मार्केट, लाइक ये सब्जेक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है. ऐसा नहीं, वो स्टूडेंट और कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है. अब दूसरी चीज़ आती है कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है ऑप्शनल. मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि एटलीस्ट प्री से जाने से पहले आपका ऑप्शनल पूरा रिवाइज होना चाहिए, और एटलीस्ट अगर आप ने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आंसर्स लिखें तो बहुत ही अच्छा है. अगर नहीं लिखे हैं तो आपका एक बार कंप्लीट करके आपका रिवीजन होना चाहिए, और मैंने यही किया था. इनफैक्ट मार्च कंप्लीट होने तक मैंने अपना ऑप्शनल 2 बार कंप्लीट करके रिवाइज कर लिया था विद 1 टेस्ट सीरीज, सो दैट जब व्हेन आई क्वालिफाई फॉर द प्रीलिम्स तो सिर्फ मुझे जो मैंने रिवाइज किया है उसको और अच्छे से रिफाइन करने का मौका मिले, इम्प्रूव करने का मौका मिले, रादर देन स्टडिंग द ओल्ड थिंग. बिकॉज यहाँ पे आपको अपने जो पीयर है उनसे अच्छा परफॉर्म करना है. ऑब्वियसली आपकी जो रेस है उन लोगों में है, तो उनसे अच्छा परफॉर्म, आपने जो पढ़ा है बेसिक उन्होंने भी वही पढ़ा है, आप जितना अच्छा उस चीज़ को रिफाइन कर पाओगे, इम्प्रूव कर पाओगे, वो चीज़ आप तभी कर पाओगे जब आपने पहले से उस सब चीज़ को कंसोलिडेट करके रखा होगा और पहले से उस सब चीज़ को एटलीस्ट 1-2 बार रिवाइज करके रखा होगा, तब आप उसमें ऐड कर पाओगे कुछ नई चीज़ें, नए डेवलपमेंट्स. अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा था कि आपको एटलीस्ट जो करंट अफेयर है उस पर आपको सारे पे टैप रखना है, उसको रिलेट करना है. जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि कैसे रिलेट करना है, रूरल डेवलपमेंट में कोई स्कीम आ रही है तो उसको कैसे रिलेट करना है, आपको आंसर में कैसे लेके आना है. मैं अपने सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ. तो ये सब तब होगा उस 3 महीने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जब आपका जो पहले ऑप्शनल था वो एटलीस्ट अच्छे से रिवाइज था. तो ये क्या होगा, आपको एक और एडवांटेज प्रोवाइड करता है, एटलीस्ट लोगों से अलग खड़ा करता है उसी टाइम की, ठीक है अब आप नेक्स्ट लेवल पे तैयारी कर रहे हो. क्योंकि मेरे भी बहुत दोस्त हैं जिनका कॉल आया, इनफैक्ट पिछली बार प्रीलिम्स निकल गया यार मेंस के लिए कौन सी बुक पढ़ूँ अब बता दो, तो एटलीस्ट उनसे तो आप अलग हो गए. और वही आपका कंपटीशन किससे है, नॉट ऑल द 10,000 पीपल हु हैव क्वालिफाइड, रादर देन आपका कंपटीशन ऐसे 3-4 हज़ार लोगों में से है जिसमें से आधे लोग तो ऐसे हैं, मतलब इनफैक्ट फ्यू पीपल आर देयर हु आर अगेन रीअपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम एंड दे हैव क्वालिफाइड द एग्ज़ाम. और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सीरियस हैं, मतलब जिन्होंने एकदम डिलीजेंटली पढ़ाई करी है. तो आपको उन 10,000 में से ये सोचना है कि मैं उन 3,000 में से कम्पीट करना है मुझे और उनमें आगे बढ़ना है. मेरी स्ट्रेटजी ये नहीं थी कि हाँ 10,000 हैं, क्योंकि मुझे पता है उस 10,000 में भी कुछ ऐसे क्वालिफाई करते हैं जिन्होंने सिर्फ प्री के लिए तैयारी की है और उनका मेंस स्ट्रांग नहीं है, दे आर नॉट गोइंग टू मेक इट टू द इनफैक्ट फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट ऑल्सो. सो
इतना तैयारी होनी चाहिए. और मेन रीज़न मेरा निकलने का यही था कि मेरा पहला प्रीलिम्स नहीं हुआ, दूसरा प्रीलिम्स हुआ तो मेंस और इंटरव्यू विद सच अ गुड रैंक वाज दैट बिकॉज ऑफ द सिंपल रीज़न कि मैंने मेंस बहुत ही अच्छे से तैयार किया था कि कोई चीज़ छोड़ना नहीं है, लीव नो स्टोन अनटर्न. आपको सारे जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के नोट्स मैंने पहले ही बना लिए थे, प्रीलिम्स 2018 से पहले रिवाइज कर लिया था, कंसोलिडेट कर लिया था. सेम ऑज विद द मेंस, मैंने अपने मेंस की जितनी भी सारी बुक पढ़नी थी बुक पढ़ के अप्रैल से पहले ख़त्म कर ली. पेपर वन का अलग नोट्स बनाया, पेपर टू का अलग नोट बनाया और उसी बुक में फिर मैं अपडेट करता रहा. उसी बुक में जब नेक्स्ट टाइम प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद जब मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी तो उसी बुक में मुझे और नई चीज़ें क्या ऐड करनी है उसी अपने नोटबुक में मैं ऐड करता रहा. तो एटलीस्ट वो सारी चीज़ें एक ही जगह कंसोलिडेट हो गई. तो इससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि हाँ मैंने ये सब किया था और ये सब चीज़ें मुझे करना है और लास्ट टाइम में लास्ट के 1 मंथ में मैं 10 दिन में रिवाइज कर सकता हूँ सारी चीज़ें. तो आपको इतना बर्डनसम नहीं लगेगा कि हाँ ठीक है मैंने किया है और ये चीज़ें और ऐड करनी है जो मुझे क्या कहते हैं औरों से अलग खड़ा करेंगी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मेंस में अगर आप नंबर देखोगे तो ऑप्शनल में लोगों के बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए हैं और मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव क्वालिफाइड दे हैव गॉट मोर देन 300+ मार्क्स. तो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन दे हैव प्रिपेयर्ड फॉर वेरी वेल फॉर दैट एंड दे नो दैट ऑप्शनल इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. ये इंपॉर्टेंट है आपको. हाँ यस बुक्स एंड मटेरियल डिपेंड करता है आपने कौन सा ऑप्शनल चूज़ किया है पहली चीज़. सेकंड थिंग है कि डेफिनेटली आप जो भी बुक और मटेरियल चूज़ करो पहले तो जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं उस फील्ड में जो भी जिन्होंने क्वालिफाई किया है एटलीस्ट उनसे ज़रूर क्या कहते हैं एक बार कॉन्टेक्ट करो. क्योंकि मैं खुद भी एक एस्पिरेंट रहा हूँ तो मुझे लगता है जितना क्या कहते हैं जब आप अपने पीयर या कुछ जो क्वालिफाई किया हुआ वो रहता है अगर आप उससे इंटरेक्ट करते हो वो जो बोलता है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. इनफैक्ट मैं अपनी बात खुद बता रहा हूँ कि पिछले साल जब मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया तो मुझे ये था कि करना है बहुत सारी बुक पढ़नी है. तो मैंने एक कहते हैं क्वालिफाइड पर्सन से कंसल्ट किया और उन्होंने मुझे क्लियरली बोला कि दीज आर द 2-3 बुक्स यू हैव टू स्टडी एंड फोकस मोर ऑन आंसर राइटिंग. तो मैंने मतलब वो एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करता है ना कि हाँ इसको करने से सामने वाले बंदे का 300+ मार्क्स आ रहा है एंड ही क्लियरली सेड दैट आई हैवन्ट डन एनीथिंग एल्स. सो वो जो एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है ना क्योंकि आपके साथ में ही वाला जो स्टूडेंट है वो क्वालिफाई करके वहाँ जा रहा है और उसको करने से इतने मिल रहे हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हो उस सब्जेक्ट में जिसने भी अच्छे मार्क्स स्कोर किए इट्स नॉट लाइक कि जो टॉपर है अब मार्क्स 10-15 मार्क्स वेरी करते हैं और वो लक पे डिपेंड करता है कहीं ना कहीं एटलीस्ट. लेकिन जो टॉपर है उस सब्जेक्ट में एटलीस्ट 300+ मार्क्स है तो आप उससे कंसल्ट कर सकते हो और वो जो सजेस्ट करता है डेफिनेटली उसकी स्ट्रेटजी अच्छी थी तभी उसको 300+ मार्क्स मिले मैं ये मानता हूँ. गुड आफ्टरनून सर. सर रिविजन पैटर्न में हमें कितना टाइम गैप देना चाहिए और कितनी बार रिविजन करना चाहिए प्रीलिम्स के लिए? सर फॉर ऑल ओवरऑल प्रीलिम्स प्रीलिम्स अगर आप डिफरेंट सब्जेक्ट रिवाइज आप डिफरेंट सब्जेक्ट पूछ रहे हो ना मेरी स्ट्रेटजी ऐसी रहती थी कि आप जैसे एक सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हो जैसे आप पॉलिटी रिवाइज कर रहे हो तो अगर आप बर्डन फील कर रहे हो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद कि नहीं पूरा माइंड ब्लॉक हो गया नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली होता है सब ह्यूमन नेचर है आप एक सब्जेक्ट को काफ़ी टाइम तक पढ़ोगे तो लगता है यार क्या पढ़ रहे हैं ठीक है हटाओ. तो अगर आपको ऐसा है तो पार्ट वाइज रिवाइज कर सकते हो. आपने 3 दिन पॉलिटी पढ़ा या 2 दिन पढ़ा उसके बाद आप बर्डन फील कर रहे हो या आपका माइंड उस पर्टिकुलर एरिया में काम नहीं कर रहा है तो आप दूसरा सब्जेक्ट उठा सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री इन्वायरमेंट ऐसा उठा लो. लेकिन जहाँ तक गैप की बात है गैप इंपॉर्टेंट है. जैसे आपने पहली बार पढ़ा मेरी स्टडी जैसे मैंने पहली बार कोई सब्जेक्ट पढ़ा तो एटलीस्ट एक हफ्ते बाद उसको दोबारा नॉट कंप्लीट पढ़ने का ट्राई करता था लेकिन मेन चीज़ें जो मैंने पढ़ी है वो रिवाइज करने का ट्राई करता था कि यार ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा इसमें मैंने 5 चीज़ें आइडेंटिफाई करी दीज आर द कोर थिंग्स एंड दीज आर द मेन थिंग्स
तो एटलीस्ट मैं वो ट्राई करता था एटलीस्ट वन वीक के अंदर वन वे और द अदर रिवाइज करने का. जैसे आपने एक दिन में पॉलिटी पढ़ा तो दोबारा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक हफ्ते में एक दिन दो, दो घंटे तीन घंटे दो, पेज पलट लो, एटलीस्ट आपने अंडरलाइन किया होगा, वो एक बार देख लो कि हाँ ये था इसमें ये था. मेरी स्टडी ऐसी रहती थी, अगर मैंने कुछ चीज़ पढ़ी तो मैं उसको अंडरलाइन कर देता, गोला कर देता था, अलग से लिख लेता था. इट इज़ द मेन थिंग. तो एक दो घंटे लगता है, तीन घंटे लगता है दोबारा एक दिन का पढ़ने पढ़ के रिवाइज करने वाला. एक हफ्ते के अंदर कर लोगे तो बहुत अच्छा है. सो शुड वी रिवाइज डेली और वीकली, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं तो एक साथ कैसे? यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है. आपको डेली रिवाइज कर, डेली तो आप मेरे हिसाब से रिवाइज नहीं कर सकते क्योंकि आपको सब्जेक्ट भी कंप्लीट करना है और सिलेबस इतना वास्ट होता है. तो वीकली रिवाइज करो, लेकिन ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है कि आपकी ग्रास्पिंग पावर कितनी है, आप कितना टाइम तक मेमोराइज कर सकते हो. बहुत लोग होते हैं, मेरा एक फ्रेंड था वो एक बार पढ़ लेता तो उसको याद रहता था. तो इट डिपेंड, इट वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट. और रिवाइज तो करना है, ये मेन एम क्या है, एंड क्या है, रिवाइज करना है. अब ये हर एक को खुद पता होता है कि मैं किस तरह रिवाइज करूँगा तो कितना अच्छे से मैं ग्रास्प कर पाऊँगा, जिसको बोलते हैं रिटेंशन, आप कितना अच्छा रिटेन कर पाओगे. अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं बोलूँगा रादर देन रिवाइजिंग डेली, आप वीकली रिवाइज करो तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा मैं कितनी चीज़ें भूल रही हूँ. क्योंकि आप आज आपने पढ़ा, कल भी पढ़ा, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको याद ही रहेंगी, राइट? तो ये पता चलना बहुत जरूरी, ये चीज़ भूल रही थी, अच्छा अब ये हो गया. About like what not to do from your experience as yes, in from first attempt to second attempt. Yes. So, this is one of the thing. In fact, I think that that should be told. What not to do, starting from the basic, very basic thing that पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि आप जो है strategy, एक आपका एक strategy होनी चाहिए कि देखो prelims के लिए मुझे ये करना है. और एक पाथ या प्लान डिसाइड करो आप. प्लान या पाथ कैसे डिसाइड करोगे? एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न्ड, आपने कई सारे सोर्सेज, या आप अब सबको ही पता होगा कि प्रीलिम्स के लिए क्या क्या बुक्स फॉलो करनी है. वो बुक्स आपने एक बार डिसाइड कर ली, स्टिक टू दैट ओनली. आपने पांच बुक जो भी है, पांच सब्जेक्ट या छः सब्जेक्ट जो भी बुक डिसाइड करी, वो आप स्टिक करो. और डेफिनेटली बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे जो बोलेंगे नहीं ये नहीं अच्छी है, वो नहीं अच्छी है, ये ऐसा करो ऐसा करो. वो बिल आपने एक बार डिसाइड कर लिया, स्टिक टू दैट. सेकंड थिंग इज़ दैट, पिछली बार मतलब जब मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, इससे पहले मैं क्या करता था कि करंट अफेयर एक बुकलेट पढ़ ली, फिर दूसरे इंस्टीट्यूट की बुकलेट वो भी ले आया, वो भी पढ़ ली, वीडियोज़ भी देख लिए. काफ़ी सारा अननेसेसरी टाइम मैंने ऐसे स्पेंड किया कि रिसर्च करने, जिसको बोलते हैं ना, इंटरनेट से PIV भी पढ़ रहा हूँ, डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा हूँ, उसके बाद दो इंस्टीट्यूट की बुकलेट भी पढ़ रहा हूँ. लाइक मैं रिसर्च कर रहा था कि क्या कर रहा था. तो फिर मुझे लगा कि ये सब चीज़ें दैट इज़ नॉट गोइंग टू मैटरलाइज. आप एक बुक, एक सोर्स रखो और उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ो और उसमें फेद रखो. क्योंकि दोबारा 2018 में मैंने इनफैक्ट काफ़ी 2.5 months ओनली दिए प्री के लिए, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी एकदम क्लियर थी कि मुझे पांच कोर सब्जेक्ट हैं, इसको इस बुक से पढ़ना है. और अननेसेसरी मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ता था और उसका नोट्स नहीं बनाता था, मंथली पढ़ता था, तो मेरा रिवाइज हो जाता था. इसलिए करंट अफेयर का भी कोई टेंशन नहीं हुआ क्योंकि मैं वो मंथली बेसिस पे पढ़ता रहता था और न्यूज़पेपर में मैं काफ़ी टाइम देता था, इनफैक्ट 1.5 से 2 घंटे, तो वो प्रॉब्लम नहीं हुई. तो ये चीज़ें ना, और ये सारी चीज़ें जो मैगजीन्स हैं, योजना एंड कुरुक्षेत्र, इट्स ऑल गुड, लेकिन प्री के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है और मेंस के लिए भी मुझे नहीं लगता कि इतना इम्पॉर्टेंट है. अनटिल अनलेस यू आर वेरी गुड इन योर एटलीस्ट बेसिक्स इन द ऑल GS पेपर्स. ये सारी चीज़ें तब आती हैं जब आपको एड ऑन करना हो. आपको GS पेपर 1 में 100 मार्क्स मिल रहे हैं, मेंस की पेपर की बात कर रहा हूँ, आपको 120 लाना है, वहाँ ये काम आएगी डेफिनेटली. योजना कुरुक्षेत्र दे आर गोइंग टू गेट यू बेनिफिट फ्रॉम देयर. बट पहले एटलीस्ट आप 100 का तो सोचो कि 100 कैसे करना है. 120 पे आप इकट्ठे नहीं पहुंच सकते. पहले 100 एकदम कंसोलिडेट करो कि मेरा 100 तो आएगा ही, इसके ऊपर मेरा 110 कैसे आएगा, ये सोचना है.